है हम सबके आदरणीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का हम चाहेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग एक बार स्वागत करें। आसपास
और इसीलिए आज चंदौली जनपद में भी मैं आया हूं आप सबके सामने संवाद बनाने के लिए। कोई सोचता था चंदौली में मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपका अपना मेडिकल कॉलेज है। आप सबको बधाई। और मेडिकल कॉलेज भी बाबा कीना राम के नाम, बाबा कीना राम जी एक अध्यात्म मूर्ति थे। उन्होंने अपनी साधना से, अपनी सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के लोगों को एक नया जीवन दिया, जीवन जीने के एक नई प्रेरणा दी। चंदौली अध्यात्म की दृष्टि से बहुत समृद्ध जिला है। प्रकृति और परमात्मा की कृपा किस रूप में है, खाद्यान्न भी उत्पादन करता है। और यहाँ पर की गई कोई भी साधना को सिद्धि में बदलने में भी देर नहीं लगती है। बाबा कीना राम इसके उदाहरण है। और बाबा की प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी बाबा कीना राम के नाम पर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मांग पर संपन्न किया। मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के लगभग तैयार है। और इस मेडिकल कॉलेज से यहाँ की जनता को ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार की जनता को भी लाभ होने जा रहा है। भैया बहनों, विकास के प्रति जब सरकार की रुचि होती है वो बोलती नहीं है, करके दिखाती है। वो करके दिखाती है। तब देश की जनता के सामने एक ही प्रश्न था, क्या होगा? क्योंकि उससे पहले की 10 वर्ष देश के लिए अंधकार का युग था, अविश्वास, सम्मत गिरता हुआ सम्मान, घोटालों की एक लंबी श्रृंखला, अराजकता, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये भारत की नियति बन चुकी थी। लेकिन आज पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाइयों बहनों, ये भारत, ये नया भारत दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है। 40 करोड़ लोगों को सम्मान बढ़ा रहा है। भारत को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी दे रहा है, संस्कृति का संवर्धन भी कर रहा है और समृद्धि की नित नए प्रतिमान को स्थापित भी कर रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 3वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था ना, आजादी के अमृत महोत्सव में की पुरानी पेंशन को समाप्त करेंगे और विरासत को सम्मान करते हुए विरासत को विकास के साथ जोड़ेंगे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में 500 सदी की इंतजार को समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण यहां सबके सामने। आपके पास आया हूं, अब तो बिल्कुल बचने वाला है।
लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने पिछली बार भी पांडे जी उस समय हमारे साथ अध्यक्ष थे, प्रदेश में मुख्यमंत्री और पांडे जी अध्यक्ष थे प्रदेश के। मैंने कहा 80 लोकसभा की चिंता मत करिए, पहले चंदौली का, चंदौली की जनता मेरे साथ रहेगी, मोदी जी जहां रहेंगे चंदौली की जनता जनार्दन साथ में। और बहनों भाइयों, आपने अपना आशीर्वाद दिया था और इस बार फिर से कहने के लिए आए हैं पांडे जी, फिर से पूरी परमयता के साथ एक एक व्यक्ति की पीड़ा को सुनने वाले जन, एक एक के सुख दुख में सहभागी बनने वाले जन। मैं कभी कभी तो सोचता हूं कि व्यक्ति कब सोता है, कब चलता है, कब खाता है, जब देखो तब कभी रात बारह बजे फोन कर लेते हैं, कभी सुबह ही फोन कर लेते हैं, अरे पानी जी थोड़ा और देर में फोन किए थे, कल मैंने हम लोग इसलिए करें क्योंकि मेरे पास एक पीड़ित आया है, इसलिए मैंने इसके लिए फोन किया है, इसका काम होता है और वहां का विकास होता है। जब जनप्रतिनिधि के मन में इस प्रकार का हौसला होता है बहनों भाइयों, तब विकास होता है। तब जनता के साथ एक मंत्री बनाई, नहीं तो छात्र नेता थे, छात्र नेता थे, पीएचयू में छात्र नेता थे, कई बार जेल में, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही, लगातार उसी पार्टी के साथ, उसी विचारधारा के साथ, सब हो विषम हो, सब परिस्थितियों में रह करके पार्टी के साथ, मूल्यों के साथ, आदर्शों के साथ, पद और प्रतिष्ठा को चिंता के बगैर अहर किस कार्य करना है, जनता जनार्दन की सेवा करनी है, इस जनता को एक नई पहचान दिलानी है, इस मूल्यों के साथ वे लगे रहे। और आज परिणाम है, टीम वर्क जब होता है, एक सामूहिकता जब होती है, पांडे जी के साथ सभी विधायक मिले, संगठन के पदाधिकारी मिले, परिणाम है आपके पास मेडिकल कॉलेज भी आ गया, चंदौली में मेडिकल कॉलेज, चंदौली में फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें, चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इतना भव्य स्मारक, चंदौली के लिए भाइयों बहनों आज जो कुछ भी आ रहा है यह इसी टीम का परिणाम है। और डबल इंजन की सरकार साथ में जुड़ जाती है तो परिणाम बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, उसी में हम लोग आए हैं। उसी दिन ने जो बात कही थी यहां पे, क्या सब लोग सहमत है ना, फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, फिर एक बार सब लोग सहमत है ना। तो मोदी सरकार के लिए घर घर में कमल खिलाना है, सहमत है ना, क्योंकि यही कमल लक्ष्मी जी को लेके आएगा और उसी लक्ष्मी जी से फिर विकास के अन्य कार्य होने हैं, सहमत है ना। ये सभी कार्य, जितनी भी योजनाएं चंदौली की आती है, वे बैरम नहीं जाती है, उनमें पैसा जाता है, एक एक में पैसा दिया जाता है। और आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, रिकॉर्ड मतों से पांडे जी को जिताइए और चंदौली फिर से बैरन नहीं होगा, चंदौली को फिर से जितनी योजनाएं चंदौली की होंगी उनको मूर्त रूप देने का काम भी होगा। सहमत है सभी लोग, सहमत है ना। तो बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाना है और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अब चंदौली आकांक्षात्मक जनपद नहीं होगा, चंदौली प्रदेश का विकसित जनपद होगा, विकसित जनपद। अब चंदौली हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि चंदौली में बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास हुआ है, उद्योग लेने जा रहे हैं, तो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर एक और उद्योग लगाने में भी आप तेजी के साथ चंदौली आगे बढ़ रहा है। तो बहनों भाइयों, ये चीजें दिखाती है कि अब चंदौली आकांक्षात्मक नहीं, चंदौली विकसित जनपदों की श्रेणी में खड़ा होकर के विकसित भारत का, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनकर के औरों के प्रेरणा बनेगा। आपको 750 करोड़ की इन परियोजनाओं की हृदय से मैं बधाई देता हूं।
आपको होली की भी अग्रिम शुभकामना देता हूं।